हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारे सबसे शॉर्ट। क्यारे सबसे शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पे सेफली होंगे। आज जो मेरी क्लास है वो है सुपर टीट, और इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होते क्या हैं। पहला हमारा देखिए है एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त जिसे बोलते हैं, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह न्यूनतम संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। मतलब कि जब आप किसी नंबर्स के लघुत्तम समापवर्त दैट मीन्स के एलसीएम निकालते हैं तो हमें वो संख्या मिल जाती है, वो भी छोटी से छोटी संख्या, जो क्या करती है उन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 6 और 8 का लसा लें तो वो 24 होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। अगर हम 6 और 8 का लसा लें तो कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं ना, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और ये देखो 3 1 जा 3 और ये 4 हुआ, और यहाँ से 4 से गया ये तो 1 और ये 1, तो 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, ये 24 आया। 6 और 8 का लसा 24 होगा, मतलब कि 24 वो छोटी से छोटी संख्या है जिससे क्या हो गए, जो है 6 और 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो ये होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल दैट मींस एलसीएम। अब आप एक चीज़ और समझो, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, मैं मेंशन कर दे रही हूँ, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल को हिंदी में क्या कहते हैं, देखिए मल्टीपल को हिंदी में गुणज कहते हैं। ठीक है, मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल वो होता है जैसे आपसे कहा जाए कि 4 का गुणज बताइए, मतलब कि 4 का मल्टीपल, तो वो सभी नंबर्स जो 4 से डिवाइड हो जाएं वो क्या होंगे, वो 4 के मल्टीपल होंगे, मतलब कि 4 के गुणज होंगे। ठीक है, इतना क्लियर होगा अभी आपको। नेक्स्ट हमारा है देखिए महत्तम समापवर्त, जिसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। इसकी डेफिनेशन हमारी है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्त वह संख्या होती है जो उन संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे, मतलब कि वो संख्या अधिकतम होनी चाहिए। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा, एग्जाम्पल इसका है 24 और 36 को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याओं में अधिकतम संख्या 12 है। मतलब कि 24 और 36 को तो देखिए बहुत सारे नंबर डिवाइड कर देते हैं, लेकिन जो अधिकतम सबसे बड़ी संख्या है, 12 के बाद से ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो 24 और 36 दोनों को डिवाइड कर दे। तो मतलब वो नंबर जो हमारे दिए हुए नंबर को पूरी तरह से विभाजित हो और वो संख्या अधिकतम होनी चाहिए, वो होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम से ही आपको लग रहा है कि हाईएस्ट है, मतलब कि वो संख्या अधिकतम होनी चाहिए, और लघुत्तम समापवर्त में जैसे उसका अपोजिट होता है, वहाँ पे हम लोवेस्ट सबसे छोटी संख्या लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बताया मल्टीपल मतलब होता है गुणज, गुणज का मतलब ये होता है कि अगर आपसे कहा जाए कि 4 का गुणज बताइए, तो 4 से जितने नंबर डिवाइड हो जाएंगे, जैसे 4 से 4 डिवाइड भी हो गया, 8 भी हो गया, आपका 12 हो गया, 16 हो गया, ये सब नंबर डिवाइड हो जा रहे हैं, तो 4 के गुणज ये नंबर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे है फैक्टर, और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। ये मैं आपको ओरल ही बता रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब ये हुआ, जैसे आपसे कहा जाए कि 36 का गुणनखंड लिखिए, तो 36 को जितने नंबर डिवाइड करके कट कर दें। ठीक है, 36 को जितने नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं वो सभी 36 के गुणनखंड होंगे। तो ये होता है डिफरेंस मल्टीपल में और फैक्टर में, दैट मीन्स कि गुणज और गुणनखंड में। ठीक है, गुणज और गुणनखंड का डिफरेंस समझ में आ गया होगा अभी आपको। जैसे एक और एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ, जैसे 4 का गुणज, 4 का गुणज क्या होगा, एग्जाम्पल गुणज मतलब मल्टीपल, मैं यहाँ लिख रही हूँ m, 4 का गुणज क्या होगा, वो नंबर्स जो 4 से कट जाएँ, जैसे खुद ही 4 हो जाएगा, 8 12 16 20, ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर हमें यहाँ फैक्टर निकालना हो, मतलब कि गुणनखंड निकालना हो, 36 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, वो नंबर्स जिससे 36 डिवाइड हो जाए, मतलब कि यहाँ पे 1 2
थ्री, फोर, जिन जिन नंबर से 36 डिवाइड होगा वो सभी 36 के गुणनखंड होंगे, मतलब कि फैक्टर होंगे। ठीक है, अब देखिए 4 तक हुआ, 4 के बाद ये 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा, इस तरह से ये आगे बढ़ जाएगा, 12 से कटेगा, और भी जो नंबर से कटेगा वो सभी क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये होता है गुणज और गुणनखंड में डिफरेंस। और आपको लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य समझ में आ गया होगा, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका LCM और HCF ही है, तो इसी से मैंने स्टार्टिंग करी है ताकि पहले आपको ये पता हो जाए कि LCM और HCF होता क्या है। तो अब हम देखते हैं कि हम LCM फाइंड कैसे करते हैं। LCM को हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य जिसे बोलते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम LSF भी लिखते हैं। ठीक है, तो दो तरह से इसे हम फाइंड करते हैं, तो देख लेते हैं कि वो दोनों तरह से कैसे निकाला जाता है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया है कि हम LCM को निकालते हैं दो मेथड से, एक होता है आपका भाग विधि और एक होता है आपका गुणनखंड विधि। एक चीज़ और पहले बता दूँ मैं आपको कि अगर आप ये पढ़ रहे हो चैप्टर LCM और HCF, तो इसे लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यूज़ मैं यहाँ पे LCM और HCF करूँगी तो उससे आप परेशान मत होइएगा, ओके, थोड़ा सा आसान रहता है। LCM निकालने के दो मेथड होते हैं, एक होता है भाग विधि और एक होता है गुणनखंड विधि, जिसे कहते हैं डिवीजन मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, 36, 48, 60 और 80 का LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। मैं इसे दोनों मेथड से करके दिखाऊंगी। पहले करती हूँ यहाँ पे भाग विधि से। सही बताऊँ तो मुझे लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे भाग विधि ज़्यादा ईजी लगती है, क्योंकि उसके थ्रू मैं तुरंत ही कर लेती हूँ। आप भी देख लो एक बार, जो आपको मेथड अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। ठीक है, भाग विधि, चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 36, 48, 60 एंड 80। भाग विधि से करना है, इस तरह से लेते हैं LCM, डिवाइड करते हैं, छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इससे हम शुरू करते हैं करना, 2 से करते हैं डिवाइड, जैसे करते हैं एकदम वैसे ही 2 से कट करेंगे। 2 वन जा 2, 2 एट जा 16, 2 टू जा 4, 2 फोर जा 8, 2 थ्री जा 6 और ये 0 और ये 2 फोर जा 8। फिर देखो ये जाएगा 2 नाइन जा 18, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2 वन जा 2, 2 फाइव जा 10 और ये 20। फिर 2 से करो 9, 2 सिक्स जा 12, 15 और ये 10। फिर 2 से जाएगा ये 9, ये 3, ये 15 और ये 5। अब देखो ये नंबर कोई भी 2 से नहीं कट रहा है, बट इसमें 3 से जा सकता है अभी, तो हम 3 से कट करेंगे। 3 थ्री जा 9 हुआ, ये 1, ये 5 और ये 5। अभी भी ये 3 से जाएगा एक बार, 1, 1, 5, 5, एट लास्ट ये 5 से कटेगा, ये 1, 1, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5। ये हमने किया है भाग विधि। ठीक है, भाग विधि, तो अब हमारा यहाँ पे LCM क्या हो जाएगा, तो LCM देखो क्या हो जाएगा, LCM ऑफ 36, 48, 60, 80 क्या होगा, ये नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो ये होगा देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम 2 है, 3 2 टाइम्स है और फिर 5 है। अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना है, और जो मल्टीप्लाई करने पे नंबर आएगा वही हमारी वो न्यूनतम संख्या होगी। ठीक है, तो निकालते हैं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 तक हमने निकाला, और यहाँ से 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, देख लीजिए मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ये 6 5 30 और 30 का 0 और ये आएगा आपका 72, 720। एक बार से क्रॉस चेक कर लेते हैं यहाँ पे हम, देख लीजिए आप भी 45 इंटू 16, ये देखिए 6 5 जे 30 और ये 3 और 24 और 27 हुआ और ये 5 और ये 4, 0, 7 5 12, 4 5 6 7, ये जो है इसका आंसर हो गया। हमने निकाला है यहाँ पे LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य भाग विधि से। अब अगर इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, जो कि हमारा सेकंड मेथड है LCM निकालने का, तो ये किस तरह से होता है उसे भी देख लेते हैं। सेकंड मेथड देखो हमारा क्या है, क्वेश्चन तो यही है, फैक्टराइजेशन में हमें करना होता है कि हम सारे नंबर्स को लिख लेते हैं, 36, 48, 60 और ये 80, और हमें ये देखना होता है कि हम किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें कि हमें ये नंबर मिलते जाए। 36 हमें कैसे मिलता है, 9 इंटू 4,
4, लेकिन ये बड़े नंबर है तो हम बड़े नंबर को नहीं लिखते, लेकिन हमें ये पता है कि 9 4 36 होता है, तो 4 को हम क्या लिखते हैं, 2 into 2, और 9 को 3 into 3, 36 हो गया ना, 2 into 2 4, और 3 into 3 9, 9 4 36, क्लियर। 48 को हम लिखते हैं 6 8 48, तो 8 को कैसे लिखते हैं, 2 into 2 into 2, 8 हो गया। अब 6 लिखना है, 6 क्या होता है, 2 into 3, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, छोटे से बड़े नंबर पे हम चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। 60, 10 6 60 होता है, ठीक है, 10 6 60 होता है। अगर आप 10 और 6 को ब्रेक करना चाहो तो ठीक है, नहीं करना चाहते हो तो 15 4 60 होता है, लेकिन अगर 10 into 6 करना चाहो, ठीक है, तो कैसे करेंगे, 10 को हम क्या लिखते हैं, अगर यहाँ नहीं समझ में आता है तो ऐसे भी कर लो, 10 into 6, आप 10 को ब्रेक कर लो, 2 into 5, और ये हुआ 2 into 3। अब इसे अरेंज कर लो, जो छोटे नंबर से उनको पहले लिख लो और जो बड़े वाले हैं उनको बाद में लिख लो, हो गया 2 into 2 into 3 into 5। अब ज़रूरी नहीं है कि 10 into 6 ही 60 होता है, 15 into 4 भी 60 होता है, तो उसको भी हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 80 है, 10 into 8। अब 10 into 8 कैसे करेंगे, तो 8 कर लो पहले, 8 में 3 times 2 आता है और फिर 10 आता है, 5 2 10, यानी कि 2 into 5, 5 2 10, 10 2 20, 24 80। अब हमें यहाँ करना क्या, तो इसे इस वाली लाइन को मैं रफ़ कर रही हूँ यहाँ पे, और इसकी जगह पे मैं ये वाली लाइन लिख दे रही हूँ ताकि मुझे वहाँ पे स्पेस मिल जाए। यहाँ पे 2 कितनी टाइम्स है, 2, तो 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 के पावर 3, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 है इंटू 3, यहाँ पे 2 के पावर 2 है इंटू 3 है इंटू 5 है, और यहाँ पे 2 के पावर 4 इंटू 5 है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो नंबर सबसे अधिक बार आए हैं, 2 में जो नंबर सबसे अधिक बार आया है, 3 में जो नंबर सबसे अधिक बार आया है, और 5 में जो नंबर सबसे अधिक बार आया है, उसे हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा जो LCM हो जाएगा, 2 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 2 पावर 4 है, 2 पावर 4 है, मतलब कि 2 पावर 4 सबसे बड़ा है, बाकी 2 पावर 2 और 2 पावर 2 है, तो 2 पावर 4 को हम लिख लेते हैं, एक ही बार लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि दो बार दिया दो बार लिखेंगे। 3 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3 में सबसे बड़ा नंबर आपका 3 स्क्वायर है, देखिए यहाँ यहाँ 3 3 है और यहाँ 3 स्क्वायर है, और सबसे बड़ा नंबर 5 पे कौन सा है, 5 ही है, बस देख लीजिए आप, सेम यही चीज़ आ गई है, 2 को 4 टाइम लिखा गया है, 3 को 2 टाइम लिखा गया है, और 5 को 1 टाइम, 2 को 4 टाइम लिखा गया है, 3 को 2 टाइम और 5 को 1 टाइम, तो यहाँ से ये हुआ 16 into 45 = 720, और ये है आपका आंसर। तो ये मैंने करा दिया है आपको दोनों मेथड से यहाँ पे, ये आपका है डिवीजन मेथड, ठीक है, और ये है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। इन दोनों तरह से मैंने क्वेश्चंस को करा दिया है यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल को, अब आप खुद डिसाइड करिएगा कि आपको कौन सा इसमें से वे इजी लग रहा है। मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग कि ये वाला मेथड बड़े से बड़े नंबर के लिए भी ज़्यादा इजी है, बिकॉज गुणनखंड करने में दिक्कत हो सकती है, बट ये आपको डिवाइड करना है और डिवाइड करना बहुत आसान होता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ हर जगह पर यही मेथड, बाकी आपको जो अच्छा लग रहा हो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो अब हम देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पे है, दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य निकालना, कि किस तरह से हम दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि LCM फाइंड करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन ले लिए हैं एज एग्जांपल आपको यहाँ समझाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए दिया हुआ 3.6, 0.72 एंड 2.4 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। देखिए जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो है 3.6, 0.72 एंड 2.4 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन में हमें ये देखना होता है कि सबसे बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है, यानी कि किस नंबर में डेसिमल जो है वो ज़्यादा नंबर के पीछे लिखा हुआ है। हमें ये फाइंड करना होता है यहाँ सबसे पहले कि कहाँ पे जो डेसिमल है वो ज़्यादा नंबर के पीछे लगा हुआ है, यानी कि डेसिमल जो है
कहाँ पर दो नंबर के पीछे है, अगर किसी में चार नंबर के पीछे है, हम ऐसा नंबर फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, हमें यहाँ पर डेसिमल हटाने का काम करना है। तो देखो यहाँ पे लिखा है 3.6, ये 0.72 और ये 2.4। डेसिमल के बाद यहाँ पे दो नंबर्स हैं और इन दोनों में एक एक है, मतलब कि जहाँ पर दो नंबर है वो अधिक है ना डेसिमल के बाद। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम दो ज़ीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम 100 पॉइंट हट गया, आप देख लीजिए, आप हर जगह 360 72 240। डेसिमल यहाँ पे हट चुका है और अब हमको लेना है इसका एलसीएम। अब या तो आप भाग विधि से ले लीजिए या तो इसको आप क्या करिए, गुणनखंड विधि से कर लीजिए। अगर भाग से करना चाहते हैं तो मैं यहाँ कर रही हूँ पहले 360, 72 और 240। नंबर थोड़े बड़े हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये। कैसे होगा ये, 2 से करें इसे, ये देखिए किस तरह से ये होगा। ये मैं करती जा रही हूँ इसे, अब ये 3 से कट कर लेंगे, अभी भी 3 से जाएगा ये, और अब ये लास्ट चला गया आपका 5 से। मतलब कि ये जो नंबर्स आए हैं ये आ रहा है इसका एलसीएम, इन नंबर्स का क्या आ रहा है। 2 को लिखा गया है 4 टाइम्स, 3 को 2 टाइम्स और 5 को 1 टाइम। देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा ये वही नंबर आ गए हैं जो इसके पहले आए थे, मतलब कि देखिए 2 2 4, 2 8, 2 16 और ये 9 5 45, यानी कि 720। बट ये इसका एलसीएम नहीं है, ये एलसीएम जो निकला है वो इन नंबर्स का निकला है। और आपके क्वेश्चन में पूछा गया था इन नंबर्स का एलसीएम बताना है जो कि डेसिमल में है। तो जो हमारा अभीष्ट एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 720 डिवाइड बाई 100। 100 से डिवाइड इसलिए किया गया है क्योंकि हमने पहले स्टार्टिंग में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था। जिस नंबर से हम शुरू में मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से आकर के हमको लास्ट में डिवाइड भी करना है, तब जाके हमारा निकलेगा सही एलसीएम। तो ये हो जाएगा 7.2 और ये 7.2 जो है वो है आपका इन डेसिमल वैल्यूज़ का एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे देखिए, जो मैंने आपको बताया कि डेसिमल के बाद कहाँ पे ज़्यादा नंबर है, हमें यही देखना होता है बस। ठीक है, डेसिमल के बाद यहाँ 3 नंबर है, बाकी जगहों पे 2-2 है, तो 3 नंबर वाले 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे 10, 100, 1000, 10,000, इन्हीं नंबर से करते हैं। तो क्या करेंगे, 0.15 मल्टीप्लाई बाय 1000, 0.025 मल्टीप्लाई बाय 1000 और 0.36 मल्टीप्लाई बाय 1000। क्या हो गया, 150, 25, 360। ले लेते हैं इसका एलसीएम 25 और ये 360। पहले 2 से कट करते हैं, अगर 2 से कट रहा है तो इसे काट लेंगे पहले, सिर्फ एक ही वैल्यू देखिए 2 से कट हो रही है, बाकी नहीं हो रही है। अभी देखिए 3 से सिर्फ एक ही वैल्यू कट होने वाली है यहाँ पे, और बाकी सब 5 से कट जाएगी। अगर आप गुणनखंड विधि से कर दें तो अभी आप ये सोचते, बहुत बड़ा नंबर नहीं है तो इसलिए ज़्यादा यहाँ सोचना नहीं पड़ता। 50, 150, ये है आपका 150, तो यहाँ इसे कर सकते थे 15 × 10। 15 × 10 करते तो क्या हो जाता, 15 को 3 × 5 लिखते और 10 को 2 × 5। तो उस तरह से ये बहुत ही इजीली गुणनखंड विधि से भी हो जाएगा। यहाँ से जो हमारा एलसीएम आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है देखिए 3 × 2 लिखा हुआ है और 3 2 times लिखा हुआ है और 5 2 times लिखा हुआ है। तो क्या हुआ, ये हुआ 8, 4 2 जा 8, 3 जा 24
ठीक है, और ये हुआ आपका 75। ठीक है, अगर इस तरह से नहीं मल्टीप्लाई करना है, लग रहा है टिपिकल हो गया है, तो और भी कुछ कर सकते हैं। ये 25 हुआ आपका, 5 जो 25, 25 4 जो हुआ 100, और यहाँ से 9 2 जो 18, तो ये हुआ आपका 1800। ये तुरंत हो गया। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये एलसीएम इन नंबर्स का है जो विदाउट डेसिमल है, लेकिन हमें तो डेसिमल में चाहिए आंसर, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ किस में थी, डेसिमल में थी। तो यहाँ से जो हमारा अभीष्ट एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा, जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई करा था उसी नंबर से हम बाद में डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये हो गया 1.8, और यही है आंसर आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का। और इस तरह से हम फाइंड करते हैं दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य। तो पहले तो आपने जो है सिंपल नंबर्स हैं उनको देखा है, फिर डेसिमल नंबर्स उनको देख लिया है, कैसे एलसीएम फाइंड करते हैं। आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन या तो एलसीएम से आता है, या तो एचसीएफ से आता है, और या फिर दोनों को मिला करके फ्रैक्शन में पूछते हैं क्वेश्चन कि इनका एलसीएम या एचसीएफ बताइए। तो हमने यहाँ पढ़ लिया है अभी एलसीएम, और अब हम देखने जा रहे हैं कि एचसीएफ हम कैसे फाइंड करते हैं। सो नेक्स्ट देखिए, हमारा जो मेथड है आपका एचसीएफ को फाइंड करने का, वहाँ पर भी देखिए दो ही मेथड मैंने बताए थे, और यहाँ पर भी दो ही मेथड बता रही हूँ, एक डिवीज़न है और एक फैक्टराइजेशन है, और यही दोनों उसमें भी था, मतलब कि एलसीएम में भी था। तो यहाँ पे हम पहले करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब कि गुणनखंड विधि। पहला देखिए, हमारा एग्जांपल जो मैंने लिया है 24, 56 और 96 का महत्तम समापवर्त्य क्या होगा। तो जैसे गुणनखंड करते हैं वैसे ही हम करेंगे। यहाँ देखिए 24, 56 और 96 हमने ले लिया है। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि छोटे नंबर हैं तो आप उन्हें ब्रेक कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगर नहीं करने आता है तो कैसे करोगे? 24 को हम क्या लिखते हैं? 4 इंटू 6, 24। 56 को क्या लिखते हैं? 8 इंटू 7, 56। 96 को क्या लिखते हैं? 8 इंटू 12। ये हुआ। अब इन्हें आप क्या कर लो, थोड़ा सा छोटा कर सकते हो। कैसे? 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और 6 को 2 इंटू 3। 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 7 को 7। 8 को लिख सकते हैं क्या? 3 टाइम्स 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 कितने टाइम्स है? 1, 2, 3 है, 2 पावर 3 और 3। 2 यहाँ पे भी 3 टाइम्स है, 7। 2 यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है और 3। ठीक है, एक बार आप क्रॉस चेक कर लो, देख लो ये 4 टू जा 8, 3 जा 24, 8 7 जा 56। ओके, 4 टू जा 8 टू जा 16, टू जा 32, और 32 3 जा 96। अब आपको यहाँ फाइंड करना है HCF। HCF होता क्या है? LCM में हम क्या करते थे, हम ये देखते थे कि जो नंबर सबसे अधिक टाइम्स आए हैं उनको लिख करके मल्टीप्लाई कर लेते थे, मतलब हर एक नंबर को हमें काउंट करना होता था वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो कॉमन नंबर होते हैं उन्हें हम करते हैं इंक्लूड। इसका मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मतलब जो नंबर्स जो हैं सबसे अधिक बार आए हों और कॉमन हों तीनों में, उन्हें हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। देखिए 3 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि 3 यहाँ पे है, यहाँ पे तो है ही नहीं, मतलब कि कॉमन हो ही नहीं पाएगा। लेकिन 2 पावर 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। यहाँ पर कैसे है? यहाँ पे 2 पावर 5 है, तो 2 पावर 5 है तो 2 पावर 3 भी तो होगा, तभी तो 5 है। दैट मीन्स कि 2 पावर 3 जो है वो हमारा HCF हो जाएगा, और ये होता है 8, और यही है इसका आंसर। ये है हमारा गुणनखंड विधि, मतलब कि फैक्टराइजेशन। HCF निकालने का, ठीक है। LCM में हम क्या करते थे, जो सबसे बड़ी पावर, जैसे 2 पे सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 5 है, तो पहले इसको लिखते, फिर 3 लिख लेते, क्योंकि 3 तो एक ही है ना दोनों जगह पे, 1 ही है, तो मतलब मैक्सिमम पावर तो 1 ही वाली है, और फिर 7 लिख लेते, तो वो हमारा LCM निकलता। बट HCF में क्या करते हैं हम, HCF में जो तीनों में कॉमन हो उसको लिखते हैं, यानी कि 2 पावर 3 तीनों में कॉमन है। अब देख लेते हैं हम आपको डिविजन मेथड। डिवीज़न मेथड में हम क्या करते हैं, जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है, हम दो नंबर को लेते हैं, पर दोनों बड़े नंबर्स को ले लेते हैं, ठीक है। कैसे? 56 और 96। डिवीज़न का मतलब ही होता है भाग देना, तो हम भाग देते हैं यहाँ पे।
इस तरह से भाग देंगे 56 और ये 96, तो कैसे होगा 56 वन जा 56, 0 और ये 4, ये 40 जो रिमाइंडर आया है, अब इसके आगे नहीं डिवाइड करना है पॉइंट लगा के, अब 40 के आगे फिर इसको डिवाइड करना है, और डिवाइड की जगह नंबर क्या लिखेंगे 56, ये जाएगा वन टाइम, ये हो गया 16। अब 16 के बाद से फिर इसको ऐसे करना है और लिखना है ये नंबर 40, यही नंबर करते जाना है 32। अब यहाँ आया 8, 8 के बाद से फिर हमें डिवाइड करना है 16 को, ये आया 2, मतलब कि 56 और 96 ये दोनों नंबर जो आपने लिए थे इनका HCF आ गया है 8, 8 कैसे, जो नंबर सबसे लास्ट में ये वाला है, ठीक है, तो HCF ऑफ 56 एंड 96 हो गया है 8, लेकिन आपको तो इन तीनों का चाहिए था, तो अभी 24 वहाँ बचा हुआ है, तो इस 8 से उस 24 में डिवाइड करेंगे, 8 से उस 24 में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 3 टाइम जाएगा 24, आपका आंसर क्या हो गया, सबसे लास्ट में जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 8, दैट मीन्स आपका जो HCF हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 8, आप देख सकते हैं ये भी 8 है और ये भी 8 है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो 8 क्या है, वो अधिकतम संख्या है, ठीक है, जिससे ये नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे, तो इस तरह से हम निकालते हैं HCF। इसका भाग विधि हो सकता है थोड़ा सा टप्पू टिपिकल लग रहा हो, तो मैं भाग विधि पे आपको एक एग्जांपल और लेके बता दे रही हूँ, तो भाग विधि पर हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत हो रही हो एक एग्जाम्पल से। गुणनखंड विधि तो आपको लग रहा होगा कि इसमें अब ईजी है, लेकिन यहाँ पर भाग विधि थोड़ा सा दिक्कत कर रहा होगा, तो मैं इसे फिर करके बताती हूँ। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा है, तो हम क्या करेंगे, दो बड़ी संख्याओं को ले लेंगे, तो 1032 है, तो 1032 ये छोटी संख्या है और ये इससे बड़ी है, ऐसे ही तो डिवाइड करते हैं ना, बड़ी में छोटी से, 110 जाएगा ये, तो ये हो गया 1032, आया कितना रिमाइंडर आपका 4, ये 7 और यहाँ क्या बचा 7। अब इसको नहीं डिवाइड करते हैं पॉइंट लगा के, अब इससे ही डिवाइड कर देंगे इस वाले नंबर को 1032 को, ये भी 110 जाएगा 774, तो ये ठीक है 8 हुआ, ये 5 हुआ और यहाँ हुआ 2। अब इस 258 से हमें 774 को डिवाइड करना है, और शायद ये कट जाए, देख लेते हैं, 38 जा 24 और ये 35 जा 15, 16, 17 और ये 774। यहाँ से 1032 और 1806, मतलब कि इन दोनों नंबर का जो HCF आया है वो आया है 258, लेकिन ये नंबर भी तो अभी है ना, तो अब इस 258 से हम क्या करेंगे, 344 को डिवाइड कर देंगे, 1 टाइम जाएगा 258, ये हुआ 6 और यहाँ पे आया, यहाँ पे देखिए दिया तो यहाँ 3 बचा यहाँ पे ना, तो ये 13 में से जो 5 जाएगा तो आपका आएगा 8। अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 258, ये कितने टाइम्स जाएगा देख लेते हैं, 3 18 और ये 25। यहाँ पर से जो आपका आ रहा है HCF वो आएगा 86 और यही होगा आपका आंसर, 344, 1032 एंड 1806 का जो HCF होगा, यानी कि जो मसा होगा वो होगा 86। अब आपको मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि कैसे हम जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं उनका HCF फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारे हैं, देखिए क्वेश्चन वन है, यहाँ पे 0.24, 0.06 और 0.018 का महत्तम समापवर्त निकालिए। जैसा कि हमने LCM में करा था, आपको भाग विधि से बताया था किस तरह से निकालते हैं, पहले डेसिमल को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर के पहले डेसिमल हो उतने जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके हम उसे चेंज कर लेते हैं विदाउट डेसिमल वाले नंबर में, और उसके बाद से हम उसका LCM निकालते थे और फिर उसे जा करके जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते थे उसी नंबर से उसे हम डिवाइड भी करते थे। सेम वही काम यहाँ पर भी करना है, बस यहाँ पे भाग विधि लगाएंगे तो वो HCF का होगा और वहाँ पे जो भाग विधि लगाया था वो LCM का था। अगर आप गुणनखंड विधि से करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। पहले हम यहाँ पे इसका डेसिमल हटाने की कोशिश कर लेते हैं, 0.06 और 0.018। डेसिमल के बाद देखिए सबसे अधिक नंबर ये 3 दिख रहा है ना, यानी कि 1000 से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई जब 1000 से करा तो ये देखिए कितना आया, 240।
इसको हमने कर लिया है चेंज अब, और अब हम करते हैं यहाँ पे भाग विधि अपना यूज। देखिए 60 में करते हैं 18 से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 टाइम जाएगा 54, यहाँ आया 6। अब 6 से ये 18 कटेगा आपका, तो ये 3 टाइम्स कट जाएगा और ये हो गया यहाँ 0। अभी तो मैंने सिर्फ 18 और 60 का निकाला है, अब आपको इस 6 से डिवाइड करना होगा 240 को। जब 6 से कट कर रहे हैं तो ये कितने टाइम्स चला जाएगा यहाँ पे 40 टाइम्स, तो ये होगा 240 और ये आपका कैंसिल हो गया, यानी कि जो ये वाली वैल्यू आई है यही है आपकी HCF। अब आपको निकालना होगा अभीष्ट HCF, मतलब कि जो हमारा HCF है वो पॉइंट में आना चाहिए। 1000 से मल्टीप्लाई किया था, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.006 और यही है आपका आंसर। ये है आपका पहला वाला क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं कि सेकंड वाले क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पर भी पहले हम क्या करेंगे कि डेसिमल को हटानेंगे, देख लीजिए कैसे हटाते हैं इसे हम। यहाँ पे पॉइंट के बाद दो नंबर है, दैट मीन्स कि हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों में, 0.48 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो गया आपका 36 और ये 0 और ये हुआ आपका 48। दो ही नंबर हैं, 48 से डिवाइड कर लेते हैं 360 में, तो ये आपका हो जाएगा, अगर 5 टाइम्स तो ये छोटा पड़ रहा है तो ये से हम कट करते हैं यहाँ से। आप 7 टाइम देखिए तो ये 7 8 56 और ये 5 28 और 5 हो गया आपका 33, तो ये हुआ 4 और ये यहाँ से आया 2। अब इस 24 से 48 में डिवाइड कर लेंगे तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा और ये हो जाएगा 0, मतलब कि जो ये 24 आ रहा है वो आ रहा है HCF इन नंबर्स का, लेकिन हमने क्या किया था डेसिमल से चेंज कर लिया था। तो अब हमारा जो अभीष्ट HCF बचेगा वो क्या बचेगा, 20 डिवाइड बाई 100, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा 0.24 और ये है आपका आंसर। और इस तरह से हम निकालेंगे दशमलव संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य, इसका आंसर आया है 0.24। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा जो है HCF और LCM में जितने तरह के आपके जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो हो चुका है ख़त्म, सिर्फ सिंगल सिंगल HCF और LCM का। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस कभी ऐसे भी आते हैं कि आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई हो और आपसे पूछता है कि इसका HCF और LCM फाइंड करिए, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए किस तरह से क्वेश्चंस और आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी तक तो आपने निकाला है यहाँ पर देखिए दशमलव वाली संख्याओं का लसम असा और जो नॉर्मल आपके नंबर्स होते हैं उनका लसम असा निकालने आपने सीख लिया है। अब अगर कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त्य या महत्तम समापवर्त्य हम कैसे फाइंड करते हैं, तो पहले हम पढ़ लेते हैं भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त्य, यानी कि जो भिन्न फ्रैक्शन में दिए हुए उनका जो है अगर LCM फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे। तो एक चीज़ आप याद कर लीजिए, हमेशा कन्फ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा, अगर आपसे भिन्नों का यानी कि फ्रैक्शन का LCM पूछे तो ऊपर वाले नंबर का हमेशा LCM निकालना होता है और नीचे वाले का HCF, ठीक है। जिसका पूछता है वो हमेशा ऊपर रहता है, ये याद रखना है, बिकॉज HCF में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है। जो पूछा जाता है अगर LCM पूछ रहा है तो अंशों का यानी कि आपका जो न्यूमरेटर है उसका LCM निकालेंगे और डिनोमिनेटर का HCF, जो पूछ रहा है वही ऊपर वाले का निकलेगा, जो पूछ रहा है वही ऊपर वाले का निकलेगा। अब देखिए क्वेश्चन हमारा जो है, हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिया है, एक है 4/5 और एक है 6/25 और ये है 8/15। तीन वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, इनका पूछ रहा है लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा, तो क्या होगा हमें निकालना पड़ेगा। भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त्य का फॉर्मूला होता है अंशों का लघुत्तम समापवर्त्य बटा हरों का महत्तम समापवर्त्य, यानी कि 4, 6 और 8 का LCM, 4, 6, 8 का LCM हम निकालेंगे अपॉन 5, 25 और 15 का HCF, बस इसी को निकाल लेना है, यहाँ पुट कर लेना है और ये आंसर होगा। अब बचता है कि 4, 6, 8 का हम LCM निकालेंगे कैसे, तो ठीक है अगर गुणनखंड से करना है तो उससे कर लो, अगर नहीं करना है तो भाग विधि से कर लो। 4, 6, 8, 2, 2 जा 4, 2, 3 जा 6, 2, 4 जा 8, 2, 1 जा 2, 3, 2, 2 जा 4, ये 2, 3, 1 और ये 3, ये कितना हो गया LCM कितना हुआ इसमें। मैंने क्या कहा था कि जो मैक्सिमम पावर्स होती हैं उनको ले लेते हैं, यानी कि सब में क्या हो गया 2, 2 जा 4, 2 जा 8 और ये 3 जा 24 हो गया, ठीक है।
क्योंकि हमने साथ में निकाल लिया है एलसीएम। गुणनखंड से निकालते हैं तो अलग अलग निकालते हैं, और इसका एचसीएफ अगर निकालना हो तो भाग विधि से कर लीजिए। भाग विधि नहीं समझ में आती है तो गुणनखंड से कर लो। 5, 25, 15 ये 1 × 5 हुआ, ये 1 × 5 × 5 हुआ। 1 को लिखिए या मत लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये 3 × 5 हुआ। 1 को नहीं लिखना है तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा नंबर कॉमन हो रहा है तीनों में? 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन, मतलब तीनों में 5 आ रहा है, यानी 5 कॉमन हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा 525/15 का HCF 5, और इसका जो लघुत्तम समापवर्त होगा वो होगा 24/5। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2/3, 5/6, 7/12 और 1/9 का लघुत्तम समापवर्त। मैंने बताया जो ऊपर वाले नंबर हैं उनका LCM और जो नीचे वाले नंबर हैं उनका HCF। तो ये हो गया आपका 2, 5, 7 और 1 का LCM अपॉन 3, 6, 12, 9 का HCF। तो 2, 5, 7, 1 का LCM क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सारे नंबर जो हैं 1 से या खुद से डिवाइड होने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका LCM इन्हीं को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, क्योंकि ये नंबर तो किसी से कट नहीं रहे ना, ना तो 7 कटेगा, ना तो 5 कटेगा, ना तो 2 कटेगा। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही हो जाएगा इनका LCM। तो ये हो जाएगा 5 × 10 और 10 × 7 = 70। अब आती है इनकी बात, इनका HCF निकालना पड़ेगा। देख लो 3, 6, 12, 9, 3 को 3 लिख लो, 6 को 2 × 3, 12 को 2 × 2 × 3 और 9 को 3 × 3। कौन सा नंबर है ऐसा है जो सब में आ रहा है? ये 3 एक बार सब में आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, बाकी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो सब में आ रहा हो। तो यहाँ पे जो इनका HCF हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, और जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 70/3। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त। अब जैसे कि लघुत्तम समापवर्त यानी कि LCM में मैंने बताया कि जो अंश होते हैं उनका आप LCM निकालेंगे और हर का HCF, ठीक उसका अपोजिट होता है अगर आप भिन्नों का महत्तम समापवर्त निकालते हैं। वहाँ पे जो अंश होते हैं उनका HCF निकाल लेते हैं, और जो आपका हर होता है उसका LCM। तो उस पर भी हम 2 क्वेश्चन देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे भिन्नों का महत्तम समापवर्त हम कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बताया है कि जस्ट ये LCM का उल्टा होता है। यहाँ पर अगर भिन्नों का महत्तम समापवर्त पूछ रहा है तो ऊपर वाले का यानी कि अंश का हम निकालेंगे महत्तम समापवर्त और हर का लघुत्तम समापवर्त लिखते हैं। तो यहाँ देखिए अंश में क्या है, 4, 8 और 2, मतलब 4, 8 और 2 का निकालेंगे हम यहाँ पे HCF, और 5, 15 और 25 का निकालेंगे हम LCM। जो ईजी मेथड पड़े आप उससे निकालिए। HCF अगर अच्छा लगता हो तो गुणनखंड से निकालिए, और LCM अच्छा लगता है तो भाग से निकालिए, मतलब किसी से भी निकाल सकते हो। अब देखिए 2, 4, 8 इनका हमको निकालना है HCF। तो ये 2 हो गया, ये 2 × 2 हो गया, और ये 2 × 2 × 2 हो गया। कॉमन क्या है, 2 तीनों में कॉमन है, तो इसका HCF हो जाएगा 2। अब आता है 5/15 × 25 का LCM, तो इससे निकाल लो, भाग से निकाल लो इसे, क्या हो जाएगा 5 × 5, 5 × 15, 5 × 25, और ये 3 से गया और ये 5 से, तो ये हो गया 25 × 75, यानी कि 2/75 इसका आंसर हो गया। और ये है आपका पहले वाले भिन्न का महत्तम समापवर्त। ठीक है, मैंने बताया था LCM में क्या करते हैं, जब भाग विधि से दे रहे हो तो जो भी नंबर से आप डिवाइड करते हो सबको मल्टीप्लाई कर देना, वही होता है LCM। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें देखिए जो अंश है उसका क्या निकालेंगे, उसका निकालेंगे हम मौसा यानी कि HCF, और जो हर हमारे पास है 21, 35 और 14, इसका हम निकालेंगे LCM। तो निकाल लेते हैं 3, 4, 12, 1 का HCF निकालना है आपको, 3, 4 और 12 का, 1 को तो छोड़ देंगे। तो 3 हो गया, 2 × 2 हो गया, और ये 2 × 2 × 3 हो गया, 1 भी था आपका, 1 को भी लिख लो। ठीक है, कॉमन क्या हो रहा है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, मतलब 2 कॉमन नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, नहीं होगा। 1 सब में है, क्योंकि 3 × 1 भी कर सकते हैं, यहाँ भी 1 कर सकते हैं और यहाँ भी 1 कर सकते हैं। दैट मीन्स कि 1 हो जाएगा यहाँ पे HCF। अगर कोई नंबर कॉमन नहीं मिल रहा है दैट मीन्स कि वहाँ पे 1 होगा कॉमन। अब निकालना है 7, 21, 35, 14 का LCM। तो निकाल लेते हैं 7, 21, 35 और 14 का, हम भाग विधि से निकालेंगे।
तो 7 से कर लेते हैं, 7 से 21 और ये 2, तो ये आप देखिए ये जाएगा आपका। छोटे नंबर से भी कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैंने पहले बड़ा नंबर यूज़ कर लिया है तो आप इसे पहले छोटे से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। 7 21 35 और ये 14। अब ये 3 से भी जाएगा 7, और अब ये सब कुछ 7 से चला जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, ये हुआ 5 से जब 15, 15 टू जब 30 और 37 जब हो गया 210, यानी कि यहाँ से जो इसका एलसीएम आया है वो आएगा 210, और जो ये फ्रैक्शन है इनका जो मर्सा आया है यानी कि एचसीएफ वो आया है 210। तो देखिए इतने तरह के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते रहे हैं अभी तक, या तो एलसीएम निकालने को बोलेगा, या फिर डेसिमल वालों का जो है वो पूछेगा एलसीएम निकालिए, या फिर एचसीएफ पूछेगा तो उसमें भी आप दशमलव वाले एचसीएम पूछ सकता है आपसे, या फिर भिन्न दे देगा और उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए पूछ सकता है। अब एक फॉर्मूला भी इसमें है, उसको भी यूज़ करके दिखाती हूँ कि उससे हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। तो ये रहा वो आपका इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जिससे आपको निकालना होता है अगर दो संख्याएँ या उनका मस या उनका लस इनमें से कोई भी 3 दिया हो तो आप वो एक फाइंड कर सकते हैं। जो फॉर्मूला है आपका पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या इज इक्वल टू लस गुड़े मस, ये फॉर्मूला आपको ज़रूर से याद होना चाहिए। पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या इज इक्वल टू लस इंटू मस। इस पे करते हैं क्वेश्चन। दो संख्याएँ दी हुई हैं 36 और 54, इनका मस 9 है, उनका लस ज्ञात करना है। यूज़ करेंगे ये फॉर्मूला, फॉर्मूला मैं लिख नहीं रही हूँ डायरेक्टली बता रही हूँ। दो संख्याएँ हैं यानी कि पहली संख्या ये और दूसरी संख्या ये, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 36 इंटू 54 इज इक्वल टू लसा गुड़े मसा। लसा आपको पता नहीं है, लसा यहाँ पे फाइंड करना है, और मसा कितना है 9 है। आपसे पूछ रहा है उनका लसा ज्ञात करिए, लसा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 9 से यहाँ भाग दे देंगे तो लसा क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 36 गुड़े 54 बटा 9, और आपको पता है कि 96 क्या होता है 54, तो यहाँ से हो जाएगा 216, और यानी कि 216 जो आया है यही आपका होगा लस पहले वाले क्वेश्चन का। सेकंड हमारा क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल दिया, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या उनका गुणनफल दे रखा है, यही तो फॉर्मूला होता है आपका, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू लस गुणे मस। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, दोनों का गुणनखंड ही दे दिया है आपको 20,000, और उनका लसा दिया हुआ है 800, तो मसा फाइंड करना है। तो क्या कर लेंगे, मसा कैसे फाइंड करेंगे, 800 से यहाँ भाग दे देंगे तो ये हुआ 20,000 डिवाइड बाय 800, 0 0 कट गया, यहाँ पे आ गया 8 2 16 और 8 आपका 4 बचा 8 5 40, यानी कि 25 जो हो गया वो आ गया है इसका मस। और इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम निकाल लेते हैं कोई भी, अगर आपको इन चारों में से कोई भी 3 पता हो तो आप वो चौथा यहाँ से फाइंड कर सकते हो। अब देख लेते हैं कि एक और तरह का क्वेश्चन कि उसे अगर एग्ज़ाम में दे दिया जाए तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन हमारा है इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा देखिए इसका स्टेटमेंट अलग तरीके से लिखा गया है। दो संख्याओं में 5 संबंधित 6 का अनुपात है, ठीक है, 5:6, यदि उनके महत्तम समापवर्तक 9 और लघुत्तम समापवर्तक 270 हो तो संख्याएं क्या होंगी। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो सब कुछ दिया है, बट एक चीज़ यहाँ पे देखो कि ये रेशियो में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना पहली संख्या जो हमारी संख्याएँ हैं, माना संख्याएँ 5x एंड 6x हैं, ठीक है, मैंने यहाँ थोड़ा इंग्लिश वर्ड यूज़ कर दिया, जब सब हिंदी में लिख रही हूँ तो ये भी हिंदी में लिख लेते हैं। हम मान लेते हैं संख्याएँ 5x और 6x हैं, ठीक है। अब ये बन चुका है हमारा इस फॉर्मूले में रखने के लायक। संख्या क्या होती है हमारी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या है 5x मल्टीप्लाई बाई 6x इज इक्वल टू लस, लस दिया है क्या, हाँ 270 दिया है, और मस कितना दिया हुआ है, वो दिया है 9। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30x² और ये हुआ 270 × 9, मल्टीप्लाई किए थे यहाँ पे, अब इसको लाके यहाँ पे डिवाइड करेंगे 270 × 9/30 और ये हुआ आपका 3 9 27, यानी कि x² की जो वैल्यू आ गई है वो 81 आ गई है, और x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 9। आपसे पूछा है वो संख्याएँ ज्ञात करिए, x की वैल्यू निकल गई, संख्याएँ क्या हो जाएंगी, संख्याएँ देखिए जो हमारी हैं एक 5x है और एक है आपका 6x, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप पुट कर देंगे 9,
तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 54। यानी कि जो हमारी संख्याएं निकल के आ गई हैं वो हैं 45 और 54। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आज की क्लास में आपको कराया है, ये सिर्फ अभी जो इतनी लंबी क्लास बनी है आपकी, ये सिर्फ आपको बेसिक्स बताने के लिए था कि एकदम अगर फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है या फिर सिंपल LCM और HCF पे क्वेश्चन आता है तो हम उसे किस तरह से करेंगे और कितने टाइप से कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, कितने टाइप के क्वेश्चन ये आ सकते हैं। लेकिन अभी इसमें कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जिसको आपको देख के लगेगा नहीं कि ये LCM और HCF से सॉल्व हो सकते हैं, बट उस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और उसको LCM और HCF से सॉल्व किया गया है। तो उसको करने के लिए हमें लेना पड़ेगा एक नेक्स्ट वीडियो सेशन, तो हम ले लेंगे उसे जल्दी ही। तो पहले तो यहाँ तक मैं आज इसको स्टॉप कर रही हूँ। इतना आप पढ़िए, अच्छे से समझिए। कोई भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग टू दिस वीडियो सेशन तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो भी उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बार और, जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो इसी आपके LCM और HCF के चैप्टर पे ही होगा, बिकॉज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे हैं, जो इससे थोड़ा सा और हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस किस तरह से करेंगे उन्हें हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।